नमस्कार, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज की हमारी वीडियो एक ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाला है और इस यात्रा में हम जो है दो बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठों की यात्रा करेंगे, जिसमें पहला डोले माता मंदिर जो कि चंडी माता का स्थान है और दूसरा जोड़े माता मंदिर जो स्वयं में बहुत प्रसिद्ध स्थान है और जिसकी यात्राओं के विषय में आपने सुना ही होगा। सबसे पहले तो जो तीन रूट आइडेंटिफाई हुए हैं कि कहाँ से हम जा सकते हैं। पहला, अगर आप जम्मू में हैं, मैं जम्मू से बात करूँगा, जम्मू में हैं तो फर्स्ट आप जो है डायरेक्ट लखनपुर से बसोली और बसोली से फिर बनी वाले रास्ते में जा सकते हैं। फिर दूसरा जो है आप ध्यालाचक से बिलावर और बिलावर से फिर आप बसोली जा सकते हैं। और तीसरा जो है आप जम्मू में हैं तो सुरिंसर मानसर वाले रास्ते से आप फिर बिलावर और बिलावर से बसोली और बसोली से बनी। अगर बनी भी नहीं जाना है आपको, बनी से पहले बेकन नाम की जगह आती है, वहाँ से लिंक रोड है डोला माता मंदिर के लिए। पहले डोला माता मंदिर के लिए रोड नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छी रोड है सुनने में आया है, जाकर के देखेंगे कि रोड अच्छी है भी कि नहीं। और वो डोला माता मंदिर तक रोड जाती है, जोड़े माता को आपको पैदल चलना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे का रास्ता है, वो कैसा है वो भी हम देख लेंगे। और तीसरा मैंने आपको सुरिंसर मानसर वाला रोड बता दिया, उसके अलावा भी बिलावर से एक पैदल रास्ता जाता है जो कटली नाम का स्थान है, वहाँ से पैदल यात्रा जाती है, सुना है कि वो भी बहुत दिव्य मार्ग है। और जो बनी वाला रास्ता है वो भी सुंदर है और इस वीडियो के माध्यम से आप खुद अनुभव कर लेंगे कि इतना सुंदर जगहें हमारे जम्मू कश्मीर में हैं और बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस पूरे ब्लॉग में हम ये कोशिश करेंगे हर एक चीज़ आपको बताने की पॉइंट टू पॉइंट कि हमने कैसे यात्रा की और आप उस यात्रा को हमारी यात्रा देख करके और भी अच्छे से कैसे कर सकते हो। खाने की व्यवस्था वहाँ कैसी होगी ये भी हम पूरी वीडियो में देख लेंगे, रहने की व्यवस्था और फिर वहाँ पर आप कितने दिन बिता सकते हो ये सब, और वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी वहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में पूरा आपको इतिहास मिल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि आपको बहुत सहायता मिलेगी अगर आप दोनों मंदिरों में जाना चाहते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और इस पूरी यात्रा को बीच बीच में जब भी हमें अच्छे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए और वीडियो कैसी लगी इसके लिए हमें ज़रूर अपने सुझाव, आपके सुझाव अपेक्षित रहेंगे और बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम और भी ट्रैवलिंग ब्लॉग साथ में करते रहेंगे। धन्यवाद। हमने बसोली क्रॉस किया है और बनी के बिल्कुल बीच में हैं हम, 30 किलोमीटर यहाँ से बनी हैं और यहाँ से बड़ा सुंदर दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। उस तरफ अगर पहाड़ी के उस तरफ देख रहे हैं तो ये चंबे की पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं और ये जो रावी दरिया है, रावी दरिया के आगे आप दिखा सकते हो, रावी दरिया के इस तरफ जम्मू है और उस तरफ चंबा, बहुत सुंदर दृश्य है और यहाँ से हमारी यात्रा। तो अभी हम जिस जगह से डोले माता की तरफ एक लिंक रोड जाता है, बनी से पहले बेकन नाम का एक गांव है, छोटा सा बड़ा खूबसूरत गांव है, आप दिखा सकते हैं यहाँ बहुत सुंदर एक नदी जो है बनी की तरफ से आ रही है और एक डोले माता के पहाड़ों की तरफ से आ रही है। तो ये एक लिंक रोड है जो लगभग 10 किलोमीटर का होने वाला है, अभी कच्चा ही है लेकिन ये है कि छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी दोनों गाड़ियाँ यहाँ से चल सकती हैं। यहाँ से आपने मोड़ पर बिल्कुल लिंक रोड है, वहाँ से लिंक रोड ले करके हमने डोले माता की तरफ जाना है और ये जगह भी बहुत खूबसूरत है, धीरे धीरे खूबसूरती हर जगह की बढ़ती चली जा रही है। यहाँ से एक बहुत सुंदर रिवर आ रही है, यहाँ फोटोज ले सकते हो, वो व्यू पॉइंट है वहाँ सामने। और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर, लगभग 10 किलोमीटर, अब पूरा अंदाज़ा नहीं है कितने किलोमीटर है, तो वहाँ जा करके हमें पता चलेगा कितने किलोमीटर है। तो चलते हैं डोले माता। तो अभी हम जो हैं बेकन से जो हमने लिंक रोड लिया, शुरू में वो लिंक रोड आपको दिखा होगा कि अभी बजरी ही पड़ी हुई है उस पर, लेकिन उसके बाद एक ज़ीरो मोड़ आया, वहाँ से हम जब डोले माता के मंदिर की तरफ बढ़े तो वहाँ पे पक्का रोड आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, लुक पड़ी हुई है, सिंगल रोड है लेकिन खुला है, सब मतलब सफिशेंट है चलने के लिए और यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना भी बड़ा कम है। और ये एक व्यू पॉइंट है, आप पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ से, और धीरे धीरे जो है नज़ारे बढ़ते चले जा रहे हैं और पक्का रोड है, चलने की कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर पहाड़ियां हैं और नीचे सेवा डैम जो आपको दिख रही होगी
सेवा प्रोजेक्ट करके यहाँ पर चलते हैं, तो सेवा डैम नीचे है और इसी के साथ यहाँ पे आपको नदी भी दिखेगी अगर उस साइड से आप देखेंगे जो बनी से आ रही है, जो बिल्कुल रोड के साथ साथ चल रही है। यहीं से अब आगे शायद 1 से 2 किलोमीटर रह गया, तो जल्दी ही डोले माता के मंदिर में हम जो है जो डोला माता मंदिर है उसके बिल्कुल साथ में है। कंस्ट्रक्शन का काम रोड का लगा हुआ था, उस वजह से हमें गाड़ी पीछे लगानी पड़ी और यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है जहाँ डोले माता मंदिर है। और आज हमारे रुकने की भी वही हमने व्यवस्था सोची है, वैसे हमने टेंट साथ में लिए हैं, फिर भी जो है वहाँ पर रुकने का जो है पूरी व्यवस्था की है वहाँ के प्रशासन ने, मंदिर जो भी कमेटी है। तो अगर आप गाड़ी लेकर आना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में आज के बाद यहाँ पर रोड अच्छा बन जाएगा। इसे रोड का काम लगा हुआ है, गाड़ियाँ आई भी हैं, सामने आपको दिख रही होंगी। तो आज का रुकने का यहीं हमने सोचा है, कल हम जोड़े माता जाएंगे तो आज का माता के दरबार के दर्शन और वहाँ के आसपास का वातावरण कैसा है वो हम देखने को मिलेगा। ये सामने मंदिर, चलिए आगे। तो फाइनली हम डोले माता मंदिर परिसर के बिल्कुल समीप आ गए और बहुत खूबसूरत गांव है, शांति, अद्भुत दृश्य। और साथ में ये सेब के बाग हैं, बहुत सारे सेब के पेड़ इधर लगे हुए हैं, सेब, अखरोट, और इस पे फल भी पड़ गया, अभी थोड़े थोड़े बढ़ भी गए। तो ये है मंदिर परिसर, सनी मंदिर, हाँ खुला हुआ है। तो फाइनली हम जो है चंडी माता मंदिर डोला गांव में पहुंच चुके हैं। ये आप सामने माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, माता रानी की मूर्ति शेर पर सवार है और साथ में उनका त्रिशूल। माता नहीं पाया, माता दी वजह कन्नै डोला है, इयां डोला माता करिए आखदे न, इयां माता आ गया गया ना बर्तन, आ जाए ऐसे रखेंगे ना तो बर्तन आ जाए। हां बर्तन कहां है, डाल दिया है और अभी नहीं बना, अब बनेगा। तेरा के ना कौन है, मेरा जॉनी, हां ब्लैक, मैं क्या ब्लैक लिस्ट हो रही है, कभी आंदे CKLISTE
चलिए उसी रास्ते की ओर बढ़ते हैं और वहाँ के भी जो दृश्य आपको हमें देखने को मिलेंगे तो वो भी देखिए। साथ में हमने यहाँ से घी भी लिया, दो घी दिखाएं देव पीला गाय का, शुद्ध घी, शुद्ध घी हाँ ये भी खा रहे।